जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एवं कोरिया जिले में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों एवं हर इलाकों में पानी की पूर्ति करने के उद्देश्य नल कनेक्शन का कार्य होना है, मगर ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अभी तक विभाग द्वारा सर्वे का काम नहीं हुआ है, तो कहीं सर्वे की प्रक्रिया के बाद भी लंबे समय से ग्रामीण सिर्फ आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही बुरा हाल है जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम चिरई पानी एवं इसके आसपास लगे कई अन्य ग्रामों का, जहां कहीं कहीं मात्र आधे अधूरे नल कनेक्शन करके छोड़ दिए गए हैं तो कहीं सर्वे तक पूरा नहीं हुआ है। इसी संबंध में जब ग्रामीणों से हमने बात की तब उनके द्वारा कहा गया कि पीने के पानी का सुविधा न होने की वजह से वे गंदे पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मेरा नाम गुलाब राम चौधरी है। मैं कौन सा ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत सिरिया को है। अच्छा। इसका विकास खंड मनेन्द्रगढ़ है। यहाँ पर इस ग्राम पंचायत गांव में जी पानी की क्या समस्या है? यहाँ पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा समस्या है पानी का। एक तो गांव ऊंचा है, हर नाला से बहुत ऊंचा है, और कहीं मैदान में पानी तो है नहीं, और ना ही कोई कंपनी वाले ना कोई पीएचई वाले यहाँ पानी के लिए कोई ना देखने आया ना देने आया ना पूछने आया। आज तक तो हम लोग के पास कोई नहीं आया, अब आया होगा तो कहीं आया होगा, यहाँ तो कहीं गांव में आया ही नहीं है। अब बसरते रह गया ये हैंड पंप वाली बात है, तो हैंड पंप में तो लगा तो ज़रूर है, सुबह में पानी निकलता है थोड़ा बहुत, इसके बाद दिन भर तो पानी ही नहीं है उसमें। आदमी कहीं से भी पीता है, नाला से, नाला तालाब से, ऐसे करके किसी का बोर उर है वहाँ से पानी, बहुत दूरों से पानी लाना पड़ता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमारे पास कोई अधिकारी हमारे गांव में आया ही नहीं है, ना ही कोई सर्वे का बात किया है, ना पानी देने का बात किया है, ना कभी आया है। जल जीवन मिशन के तहत अभी हमारे जो जिले में माने जिला माने अपने जो इस कार्यालय के अधीनस्थ है MCBA कोरिया जिला नवीन, तो 90 ग्रामों में कार्य कंप्लीट किए गए हैं और 452 नगर में गांव में प्रगति पर है अभी काम। ऐसे कई गांव हैं सर जहां लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं कि उन्हें पानी की काफ़ी समस्या हो रही है, सर उनके समस्याओं पर किस तरह का निवारण किया जाए? जी, कुछ क्षेत्र हैं जहां भूजल की कमी है और वहां अपन ट्यूबवेल में पंप लगाकर भी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ग्रामों को अपन समूह जल प्रदाय योजना में शामिल किए हैं और समूह जल प्रदाय का काम जैसे ही पूर्ण होगा वहाँ भी पानी पहुँचना प्रारंभ हो जाएगा। जी, आपका नाम बताएंगे? राम जीवन प्रजापति। आप यहीं के मूल निवासी? हाँ, चिरई पानी का ही। धानों की समस्या, पानी का कमी है, पीने का पानी का, सिंचाई का पानी, हर चीज़ का कमी हो रहा है। ये तो चलाए तो हैं, टंकी अभी बना नहीं है, ना गाड़ दिए हैं नल को, तो टंकी बना नहीं है अभी तक, टंकी कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये तो कब से चले आ रहा है, लेकिन आ जाए तब ना आदमी माने। ये टंकी भी बना है हर घर में, हर करंट द्वारा, वो भी अभी कहाँ, अभी तक टंकी उंकी बना ही नहीं है, नल तो गाड़ दिए नहीं अभी आए हैं। और अभी जो यहाँ जो भीषण गर्मी का समय चल रही है, किस तरह का समस्या हो रहा है और उनके उनकी सुध लेने वाला कोई अधिकारी है क्या यहाँ पर पहले आया था? नहीं, अभी आए हैं। इसके इस संबंध में आपके सरपंच द्वारा किस तरह कदम उठाए गए? क्या सरपंच भी कदम कहाँ उठाए हैं अभी तक? हम लोग गाँव वाले तो दे दिए, कई मरतबे दिए, लेकिन आज तक कोई जल निर्माण नहीं हुआ है यहाँ।